छत नब से और धरा से बाट तकत नैना दो प्यासे हो एक ही आशा साज सकारे कब आए हैं प्रभु राम हमारे कब आए हैं प्रभु राम हमारे भय प्रतीक्षा मृत्यु समाना दर्शन दे प्रभु करहु निदाना दर्शन दे प्रभु करहु निदाना हो छट गए शबरे सब अंधियारे लो आए प्रभु राम तुम्हारे लो आए प्रभु राम तुम्हारे माता राम आ गए मेरे राम। हाँ माता मैं ही हूँ रघुवंशी राम। इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु आपने ये कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूं? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पलकें बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आस में मैंने नैनों के दीपक संजो रखे थे, जिसका नाम रटते रटते मैं अपना ही नाम भूल गई थी, वो मेरे सामने आता और मैं उसे ना पहचानती, तब तो मेरा जीवन मेरी साधना सब व्यर्थ जाती। मेरे राम, पर आप हैं कौन? आपने मुझे तो पहचान लिया माता, किंतु अपना परिचय नहीं कराया। मैं आप जैसी देवी का नाम जानना चाहता हूं। मेरा तो एकमात्र परिचय है, मैं अपने राम की दासी हूं। संसार मुझे व्यर्थी शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप, मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। सदैव ये नेत्र द्वार पर लगे रहते कि कब एकाहट होगी, ये द्वार खुले
और मेरे राम मेरे नेत्रों के समक्ष हो। हर पल मैं यही विनती करती, हे यमराज, जब तक मुझे अपने राम के दर्शन न हो, इस जीवन का अंत न करना। और आज आज जब मैं निराश हो चुकी थी, आपने मेरे मन की पुकार सुन ली, मुझे धन्य कर दिया। मन करता है आपको यूं ही निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, यूं ही निहारती रहूं और इस जीवन का अंत हो जाए। अरे मैं भी कैसी बावरी हूं, अपने राम को सामने देखकर ऐसी सुध बिसराई, ऐसी सुध बिसराई कि उनसे उनसे कुटिया में आने और विश्राम करने को कहना ही भूल गई। आइए श्री राम, आइए मेरी इस कुटिया में पधारिए और इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए। माता, ये मेरा अनुज है लक्ष्मण। प्रणाम माता। आइए आइए, विराजिए, तरिक ठहरिए, मैं अभी आई। कैसे बिठाऊं अपने राम को, इस कुटिया में कोई ढंग की वस्तु भी तो नहीं है। मुझे क्या पता था कि अब कितना जीवन होता था इस कुटिया में। सब चले गए और इस कुटिया को मरघट की भांति सुनसान कर गए। आज होते तो देखते कैसे इस कुटिया के भाग जागे हैं। बिराजिए, बिराजिए। माता, ये आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषि मतंग के शिष्यों की, उन ऋषियों की जो कभी यहाँ रहते थे। तो वो कहाँ चले गए माता? क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं एक आदिवासी हूं, वन में रहती हूं। मेरे माता पिता मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से करना चाहते थे जो मदिरा का रसिया था। मुझे तो मदिरा के नाम से भी घृणा है और वो दिन रात मदिरा के मद में डूबा रहता था। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से मत करो, मगर मेरे माता पिता डर से मस ना हुए। जब कुछ न बन पड़ा तो मैं ठीक विवाह की रात
वहां से यहां भाग आई। रुक क्यों गई माता, बताइए ना। मैं नित्यदिन ऋषि मतंग और उनके शिष्यों के लिए हवन की लकड़ियां और आहार को फल लाती थी। वो सब भी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। कैसे? उन शिष्यों को पता चल गया कि मैं आदिवासी हूं, अछूत हूं, और बस उसी दिन से वो लकड़ियां हवन के योग्य नहीं रही जो मैं नित्यदिन बिन कर लाती थी। वो फल अशुद्ध हो गए जो वे सदा प्रसन्न होकर खाते थे। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि जब तक उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं, सब कुछ शुद्ध था। और जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, सब कुछ अशुद्ध कैसे हो गया, कैसे अशुद्ध हो गया। फिर वे सब एक एक करके इस आश्रम को छोड़ के चले गए, और ये आश्रम सुनसान हो गया। केवल ऋषि मतंग ने मुझे आश्रय दिया। हे राम, क्या इस संसार में अछूत होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं माता, नहीं, बल्कि किसी को अछूत समझना अपने आप में एक अपराध है। जो व्यक्ति ऐसी आपराधिक विचारधारा रखेंगे वो हर युग में दंड के पात्र बनते रहेंगे। फिर ऋषि मतंग के शिष्यों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा माता, अवश्य मिलेगा। ऐसे ऋषि समाज के माथे का कलंक है। वो जिस भी सरोवर के पास जाएंगे उसका जल सूख जाएगा, जिस वृक्ष के तले जाएंगे वो फलहीन हो जाएगा। हां माता, ऐसा ही होगा। ये रघुवंशी राम का कथन है। कोई ऊंच न नीच है, कहे राम रघुराय। ऊंच नीच छोटा बड़ा, रघुवर को न सुहाय। जिनके खोटे कर्म हो, बनते नहीं महान। जन्म नहीं बस कर्म है, मानव की पहचान, मानव की पहचान। मैं ये बेर चुनकर लाई हूं, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा, आप ही के हाथों से खाऊंगा। वहां नहीं माता, यहां बैठिए, बैठिए। ठहरिए, कहीं खट्टा ना हो, चख लूं।
बहुत मीठा है। खट्टा है। लो बहुत मीठा है। प्रेम दृष्टि भरे भाव अनूठे शबरी बेर खिलावत झूठे नेह बिना सब व्यंजन फीके नेह पगे फल अतिशय नीके नेह पगे फल अतिशय नीके चुन चुन मीठे बेर खिलाए निरखत राम अश्रु भर लाए ना कोई ऊंच नीच नहीं कोई समदर्शी प्रभु मानत सोए समदर्शी प्रभु मानत सोए हमें क्षमा कर दे देवी हमें क्षमा कर दे नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें यह दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला। यदि क्षमा मांगनी ही है तो इस माता से मांगिए जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी हम लज्जित हैं हमें क्षमा कर दो। हाँ हाँ हमें क्षमा कर दो। यदि मेरे क्षमा करने से आप सबका संकट दूर होता है तो मैं आप सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। धन्य हो देवी धन्य धन्य हो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च हैं क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से। माता आपके पास से हटने को मन तो नहीं करता किंतु माता हम किसी एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी है कठिन है इसलिए माता आपसे अनुमति चाहेंगे। अनुमति? जिसने सारा जीवन आपकी राह देखी हो जिसका जीवन आपकी प्रतीक्षा का दूसरा नाम था वो अपने मुख से कैसे कहें कि आप उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं। हे राम आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता आपके दर्शन
जीवन सुख की चरम सीमा है। दोनों ही तो मिल गए, अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये जीवन कैसे गुजारूंगी? होठों पर आपका नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो और मृत्यु आ जाए, तो उस मृत्यु पर सहस्रों जीवन वार दूं, सहस्रों जीवन वार दूं। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, हे श्री राम, राम राम, हे श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री